हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेवल टू। और मैं प्रतिमा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आई हूँ वसई। तो वसई आने के पीछे ऐसा कोई डेफिनेट रीज़न नहीं है मेरा, लेकिन आज एक दिन मैं फ्री थी और मैंने सोचा कि कहीं घूमने चलते हैं। तो अभी बजे है दोपहर के 3 और हम लोग 4 बजे से लेकर तकरीबन 7-8 बजे तक यहाँ पर घूमने वाले हैं। उसी के साथ न्यू ईयर भी नज़दीक आ रहा है, तो मैंने सुना था कि वसई में बहुत जोरों शोरों से न्यू ईयर का स्वागत करते हैं, तो इसीलिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। और मैं यहाँ पर चर्च, मंदिर, बीच ये सब विजिट करने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं मैं इतने कम समय में क्या क्या विजिट कर सकती हूँ। तो जब आप अपने फैमिली के साथ यहाँ आएंगे तो आपको देखने के लिए 3 या 4 स्पॉट्स तो अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ हम घूमते हैं वसई। और आज मैं घूमने जा रही हूँ दीपकर और साक्षी के साथ। हेलो फ्रेंड्स। और साक्षी वसई से ही बिलोंग करती है, तो आज ये हमें थोड़ी ज्यादा जानकारी भी देगी वसई के बारे में। करेक्ट? यस। चलो। वसई के जो स्पॉट्स आज हमने विजिट किए हैं वो सारे एक दूसरे से बहुत नज़दीक है। कृपया गूगल मैप का इस्तेमाल करें या फिर लोकल लोगों को पूछ कर आप इन स्पॉट्स को विजिट कर सकते हैं। तो अभी मैं आई हूँ स्वामी समर्थ महाराज के मठ में। ये जो मठ है वो भुईगांव एरिया में है। भुईगांव ये वसई का एक एरिया है और यहाँ आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर तो आ ही सकते हैं, लेकिन इसी के साथ आप यहाँ बस से भी आ सकते हैं। अगर आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो ये भुईगांव का स्वामी समर्थ महाराज का मठ आपको मिल जाएगा। यहाँ का वातावरण काफ़ी प्रसन्न है और यहाँ आने के बाद एक अलग ही पॉजिटिविटी हम सब महसूस कर पा रहे हैं। तो अभी आपने ये मठ देख ही लिया है, तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ विजिट भी कीजिए और स्वामी समर्थ महाराज का दर्शन लीजिए। जय स्वामी समर्थ। इस मठ का यहाँ पे एक छोटा सा शॉप भी है। यहाँ पर सारा पूजा साहित्य आपको मिल जाएगा और आप देख सकते हैं अगरबत्ती का कितना बड़ा कलेक्शन इनके पास है। तो मैं अगरबत्ती की शौकीन हूँ, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो मैं खरीदूँगी। और अगर आपको भी ऐसी सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। और यहाँ आने से पहले अगर आप पूजा साहित्य लाना भूल गए हैं तो आप यहाँ से वो खरीद सकते हैं। मुझे वसई काफ़ी पसंद आ रहा है। यहाँ का आर्किटेक्चर ही कुछ अलग है। यहाँ का हर स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं है लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े घर हैं। हर घर के बाहर आंगन है, आंगन में झूले लगाए हुए हैं। हर आंगन के बाहर एक बगीचा है जो बहुत सुंदरता से सजाया गया है, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर नज़दीक आ रहा है। मैंने देखा यहाँ के लोग भी बहुत शांत है और यहाँ का जीवन पूरा ही शांतिमय है।
अभी जो आप स्क्रीन पे मंदिर देख रहे हैं उस मंदिर में मैं जा रही हूँ, जो दत्त भगवान का मंदिर है और एक प्लेटो के ऊपर बसा हुआ है। तो स्वामी समर्थ महाराज का दर्शन करने के बाद अभी हम आए हैं दत्त डोंगरी। हमारा जो एंट्रेंस है वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से आगे आगे हमें ऐसे ही स्लोप चढ़ चढ़ के जाना है। उसके बाद आगे जाके कोई कुछ स्टेप्स है यहाँ पर, उन्हें क्लाइम करने के बाद दत्त गुरु का मंदिर है। तो मुझे अभी कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि कितना टाइम लगने वाला है और साक्षी भी मुझे कुछ भी बता नहीं रही है। तो लेट्स सी, मैं आपको ऊपर जाके बताती हूँ कि ये पूरा क्लाइम करने के लिए हमें कितना समय लगा। चलिए भी यहाँ से वहाँ हमें वो मंदिर दिख रहा है। तो यहाँ पूरा क्लाइम करके हमें जाना है। साक्षी बताओ ना कितना टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से अभी हमें बहुत आगे जाना है, वहाँ से स्टेप्स भी है, तो चलो फॉलो करो। बताने वाली है नहीं, हम जाके ही देखेंगे। पहुंच गई हूँ और यहाँ आने के लिए मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं। तो बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, इजीली आ सकते हैं आप। तो अभी हम दत्त डोंगरी के दत्त मंदिर में पहुंच गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दत्त महाराज की मूर्ति है। ये मंदिर हमने यहाँ जब जानकारी पूछी तब हमें पता चला ये मंदिर तकरीबन 100 साल पुराना है और 4 बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है। तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है और मैं आपको कहूँगी कि जब आप उसे आएंगे तो दत्त डोंगरी के इस मंदिर को ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ जो ऊंचा ऊंचा प्लेटो है उस प्लेटो से हमें पूरी वसई का नज़ारा दिखता है, जो अभी मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगी। तो ये बस 10 मिनट का छोटा सा ट्रेक है और उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। श्री गुरुदेव दत्त। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सीनिक व्यू है और यहाँ आने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ आने के बाद एन्जॉयमेंट के लिए एन्जॉयमेंट भी हो गई और भगवान के दर्शन भी हो गए। और ये इतना ब्यूटीफुल व्यू है कि
इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो जब आप वैसे ही आएंगे तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप यहाँ ज़रूर आइए। मुझे लगता है मॉर्निंग के समय भी ये इतना ही सुंदर दिखता होगा जितना ये अब सुंदर दिख रहा है। तो अभी सनसेट का टाइम है और हम लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगी ये एक मस्ट विजिट प्लेस है वसई की। हमारे दत्त महाराज के दर्शन हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं भुईगांव बीच और वहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए भुईगांव बीच। तो अभी हम भुईगांव बीच पहुंच गए हैं और हमने लिया है वड़ा पाव खाने के लिए गर्मा गर्म। और यहाँ से ये रोड जाता है भुईगांव के लिए और आप देख सकते हैं यहाँ पर टू व्हीलर और फोर व्हीलर पार्किंग के लिए बहुत सारी जगह उपलब्ध है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भुईगांव बीच सनसेट देखने। तो अभी काफ़ी समय यहाँ पर नहीं बिताएंगे, तुरंत जाएंगे भुईगांव और देखेंगे सनसेट। चलिए मुझे हमेशा लगता है हर मोमेंट को हम कैप्चर नहीं कर सकते, उसे याद रखने के लिए उसे जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं चाहे जितनी कोशिश करूं कि आपके लिए हर मोमेंट कैमरा में कैप्चर करूं, लेकिन वहां जाने के बाद हम जो फील करते हैं, वहां जाने के बाद हम जो महसूस करते हैं, वो शब्दों में बता पाना और कैमरा में कैप्चर करना इम्पॉसिबल है। इसके लिए ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है और एक्सपीरियंसेस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हैप्पी ट्रैवलिंग।
तो अभी मैं आई हूँ वसई के वाघोली एरिया में, जहाँ पर ये शनि भगवान का मंदिर है। यहाँ पर एक शिला भी है जो शनि भगवान की है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, उसके वजह से अभी मैं आपको शिला का दर्शन नहीं करा पा रही हूँ। लेकिन यहाँ शनि भगवान की मूर्ति है, और इस मंदिर की एक खासियत है कि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी अनोखा है। आप देख सकते हैं ये बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो मुझे इस मंदिर की ये खासियत लगी कि ये अनोखा मंदिर है और शनि भगवान की मूर्ति भी यहाँ पर है। तो जब आप वसई आएंगे तो इस शनि भगवान के मंदिर को भी ज़रूर विजिट कीजिए और शनि भगवान का दर्शन भी लीजिए। अभी मैं आई हूँ कृपा माता कैथीड्रल पापड़ी चर्च में। ये जो चर्च है वो यहाँ का बहुत बड़ा चर्च है और ये वसई एरिया में ही है। तो अभी मैं अंदर जाऊँगी और इस चर्च को भी विजिट करूँगी। चलिए,
तो आज की शाम हमने बहुत एंजॉय किया वसई में। हम लोग सबसे पहले गए थे भुईगांव स्वामी समर्थ मठ, उसके बाद हम लोग गए थे दत्त टेकड़ी, उसके बाद हम लोग गए भुईगांव बीच, उसके बाद हम लोग गए शनि मंदिर और अंत में हम लोग आए हैं कृपा माता चर्च। तो आज का हमारा ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और हमने काफ़ी एंजॉय किया। तो इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी अगले संडे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि जब मैं अगले टाइम ऑनलाइन आऊँगी तो आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।